हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ऑनिंदो लव्स मूवीज। दोस्तों, जरा सोचिए अगर फ्यूचर में ऐसा टाइम आए कि पूरे दिन में आप जिस से मिलते हो हर कोई आपको सोशल मीडिया पे रेट करे और वो रेटिंग्स ही तय करे सोसाइटी में आपका स्टेटस, तो कैसा होगा। इसी पे आधारित है हमारी आज की शॉर्ट फिल्म नोज डाइव, जो कि ब्लैक मिरर नाम की टीवी सीरीज का एक एपिसोड है। कहानी फ्यूचर के एक ऐसे समय पे स्थित है जहाँ हर कोई सोशल मीडिया पे है और वो एक दूसरे को रेटिंग दे सकते हैं। सबके आंखों में स्कैनर लगा है जिससे वो एक दूसरे की रेटिंग देख सकते हैं। 4 के ऊपर की रेटिंग अच्छी और 4.5 से ऊपर की रेटिंग बहुत अच्छी माना जाता है। 4 से नीचे की रेटिंग एवरेज है। 2 से नीचे की रेटिंग वाले लोगों को एंटी सोशल माना जाता है। इस समाज में आपका रेटिंग ही आपकी पूरी जिंदगी कंट्रोल करता है। कैसी जॉब मिलेगी, किस लोकेलिटी में घर मिलेगा, यहाँ तक अच्छे हॉस्पिटल में बेड मिलना, सब कुछ रैंकिंग पे निर्भर है। फिल्म के शुरू में हम लूसी पाउंड को सुबह जॉगिंग करते हुए देखते हैं। वो जॉगिंग के साथ अपना फोन भी चेक करती रहती है और सोशल मीडिया पे लोगों को रेटिंग करती है। घर पे मिरर के सामने फेक हंसने की प्रैक्टिस करती है। यहाँ हमें पता चलता है कि उसका रेटिंग है 4.2। उसका भाई रायन उसके साथ रहता है। लूसी उसे बोलती है तैयार रहने को, क्योंकि उसका लैंडलॉर्ड दूसरे लोगों को फ्लैट दिखाने लाएगा। उसका घर का लीज 1 महीने में खत्म हो रहा है और वो दूसरा मकान ढूंढ रही है। लूसी रोज की तरह कॉफी शॉप में जाती है जहां जैक उसे कॉफी सर्व करता है। दोनों एक दूसरे को अच्छी रेटिंग देते हैं और वो कॉफी के पिक्चर्स सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है और उसे काफी सारे 5-स्टार रेटिंग मिलते हैं। ऑफिस के लिफ्ट में वो बेथनी से मिलती है और दोनों एक दूसरे को देख के फेक स्माइल करते हैं और बेमतलब की बातें करते हैं। ऑफिस में उसका कोलीग चेस्टर उसे स्मूदी ऑफर करता है। वो देखती है चेस्टर का रेटिंग 3.1 है। दूसरे कोलीग से पता चलता है कि चेस्टर का ब्रेकअप हुआ है और ऑफिस के सारे लोग ब्रेकअप के लिए उसको दोषी मानते हैं और उसे खराब रेटिंग दिया है। लूसी को ये भी पता चलता है कि अगर उसका रेटिंग 2.5 से नीचे चला गया तो शायद उसका जॉब चला जाएगा। आगे हम देखते हैं लूसी एक पॉश एरिया में मकान देखने जाती है। उसे अपार्टमेंट बहुत पसंद आता है लेकिन उसके बजट में नहीं है। वहाँ ब्रोकर उसे बोलती है कि वो लोग 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए लूसी का रेटिंग 4.5 होना पड़ेगा। लूसी अपना रेटिंग बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया एक्सपर्ट के पास जाती है, जो उसे बोलता है कि 1-1.5 साल में वो 4.5 हो जाएगी। लेकिन लूसी को बहुत जल्द 4.5 की रेटिंग चाहिए क्योंकि उसे वो अपार्टमेंट लेना है। एक्सपर्ट उसे बोलता है कि इसके लिए उसे हाई क्वालिटी लोग जिनकी रेटिंग बहुत अच्छी है उनसे ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टार्स चाहिए होंगे। ऑफिस के लिफ्ट में वो फिर से बेथनी से मिलती है जो कि 4.6 है और इस बार कुछ ज़्यादा ही कोशिश करती है उसे इम्प्रेस करने की। ये बेथनी को अच्छा नहीं लगता और वो उसे 3 स्टार देती है। ऑफिस में लूसी अपने बचपन के दोस्त नाओमी का प्रोफाइल देखती है जो कि 4.8 है। उसके फ्रेंड सर्कल के लोग भी सेम रेटिंग्स के हैं। लूसी को लगता है कि अगर नाओमी और उसके फ्रेंड सर्कल के लोगों से उसे 5-स्टार रेटिंग मिले तो उसका काम बन सकता है। ये वही हाई क्वालिटी लोग है जिसके बारे में एक्सपर्ट ने उसे बताया था। इसे उसे जल्दी 4.5 बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यही सोचकर वो एक पुराने टॉय का पिक्चर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है। ये टॉय बचपन में नाओमी ने उसे दिया था। नाओमी उसका ये पोस्ट देखती है और उसे 5 स्टार की रेटिंग देती है। नाओमी उसे वीडियो कॉल करती है। वो बोलती है कि उस टॉय का पिक्चर देख के उसे बचपन के दिनों की याद आ गई। कुछ दिनों बाद उसकी शादी है और वो चाहती है लूसी उसकी मेड ऑफ ऑनर बने और एक स्पीच दे। ये सुनके लूसी बहुत खुश भी होती है और ग्रेटफुल भी कि नाओमी ने मेड ऑफ ऑनर के लिए उसे चुना। लूसी का भाई उस पे गुस्सा होता है। वो बोलता है कि नाओमी ने कभी लूसी का अच्छा नहीं चाहा, स्कूल में भी उसके साथ बुरा बर्ताव किया और अभी इतने सालों बाद उसे लूसी की याद आई। लूसी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और स्पीच की तैयारी करती है। शादी का दिन करीब आता है। शादी अटेंड करने के लिए वो निकलने वाली होती है जब उसके भाई के साथ उसकी फिर से बहस होती है। घर से जल्दी निकलते वक्त वो एक लेडी से टकराती है और वो भी उसे लो रेट करता है। कैब में नाओमी उसे फोन करती है और वो दोनों फेक और बेमतलब की बातें करते हैं। कैब ड्राइवर को ये पसंद नहीं आता और वो भी लूसी को लो रेटिंग देता है।
एयरपोर्ट पहुंचने पर उसे पता चलता है कि उसकी फ्लाइट कैंसल्ड है। काउंटर स्टाफ बोलती है दूसरे फ्लाइट में एक सीट है, लेकिन उसके लिए लूसी को 4.2 होना पड़ेगा। लूसी बोलती है कि वो 4.2 है, लेकिन काउंटर स्टाफ बोलती है कि पिछले कुछ लो रेटिंग्स के बाद अब वो 4.18 है। इससे लूसी बहुत गुस्सा होती है और स्टाफ पे चिल्लाती है। स्टाफ सिक्योरिटी कॉल करती है, सिक्योरिटी उसे एयरपोर्ट से निकाल देता है और सजा की तौर पर 24 घंटे के लिए पूरा एक पॉइंट घटा के 3.1 कर देता है। सिर्फ यही नहीं, एयरपोर्ट में मौजूद दूसरे लोग जिन्होंने उसे चिल्लाते हुए देखा सब उसे लो रेटिंग देते हैं। लूसी रेंट कार के ऑफिस में जाती है, क्योंकि वो अब 3.1 है इसलिए उसे अच्छी कार नहीं मिलती और पुराने मॉडल की गाड़ी मिलती है। ये एक बैटरी ऑपरेटेड कार है और कुछ दूर चलने के बाद बैटरी का चार्ज खत्म हो जाता है। लूसी चार्जिंग स्टेशन में जाती है, लेकिन क्योंकि ये गाड़ी बहुत पुराने मॉडल होती है तो उसे इसका चार्जर नहीं मिलता। वो दूसरे गाड़ी से लिफ्ट मांगती है, लेकिन उसकी लो रेटिंग देख के कोई उसे लिफ्ट नहीं देता। फिर एक बहुत पुराना और खटारा ट्रक आके रुकती है। ट्रक चला रही होती है सूजन, जो कि 1.4 है। उसका रेटिंग देख के लूसी लिफ्ट लेने से हिचकिचाती है, क्योंकि इतनी कम रेटिंग एंटी सोशल लोगों की होती है। पर फिर वो ट्रक में बैठ जाती है। सूजन उसे बोलती है कि वो एक टाइम पे 4.6 हुआ करती थी। उसका हस्बैंड को कैंसर था और उनका कम रेटिंग की वजह से उन्हें सही जगह पे ट्रीटमेंट नहीं मिला। उनके मौत के बाद सूजन बेपरवाह हो गई और अपने तरह से लाइफ जीने लगी। वो सच बोलने लगी और रेटिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं की, और इसलिए वो अब 1.6 है। सूजन लूसी को अपने मंजिल के करीब ड्रॉप कर देती है। वहां से लूसी एक बाइक लेके बाकी का रास्ता तय करती है। उसे नाओमी का कॉल आता है, जो उसे आने से मना कर देती है, क्योंकि अब वो 3.1 है। लेकिन लूसी ठान लेती है कि जो भी हो जाए वो शादी के फंक्शन में जाएगी और अपना स्पीच देगी। उसका बाइक कीचड़ में गिर जाता है। वो अपना ब्राइड्समेड वाली ड्रेस पहन के पीछे वाले रास्ते से शादी के बैंक्वेट में एंटर करती है। वो माइक लेके अपना स्पीच बोलना शुरू करती है। उसका हालत देख के सब लोग हैरान होते हैं और नाओमी अपने पति पॉल को भेजती है उसके हाथ से माइक लेने के लिए। लूसी ने जो स्पीच प्रिपेयर किया था वो नहीं बोलती। वो कहती है कि कैसे नाओमी हमेशा उसे नीचा दिखाती आई है और स्कूल में उसका बॉयफ्रेंड को भी नाओमी ने छीन लिया था। वो नाओमी के पति को भी गाली देती है। पार्टी में मौजूद सब उसे 1 की रेटिंग देते हैं और उसका रेटिंग अब बहुत फॉल कर चुका होता है। इतने में सिक्योरिटी आके उसे ले जाती है। उसे जेल में डाल दिया जाता है और उसका आई स्कैनर निकाल दिया जाता है। जेल में हम पहली बार लूसी की असली इमोशंस को देख पाते हैं, वो इमोशंस जो फेक नहीं है। वो हंसती है, रोती है, गुस्सा करती है और सामने वाले कैदी को गाली गलौज भी करती है। अब उसे परवाह नहीं है कि कोई उसे 5 स्टार दे रहा है कि नहीं। यहाँ जेल में पहली बार फेक दुनिया से आजाद हो जाती है। ऐसा लगता है कि अब तक वो जेल में थी और अब आजाद हुई हो। दोस्तों, हालांकि ये कहानी काल्पनिक है, लेकिन कुछ चीजें हमारी आज की दुनिया से मिलती है। हम लोग अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम के पोस्ट को दिन में 10 बार चेक करते हैं और ज्यादा लाइक मिलने पर खुश होते हैं। सबके पिक्चर्स परफेक्ट होते हैं, लेकिन क्या हम उस इंसान को रियल में जान पाते हैं? जिनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है सोसाइटी में, उनका स्टेटस बढ़ जाता है, लेकिन अपनी निजी जिंदगी में वो कितना खुश है, ये कैसे पता चलता है? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।